हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्केच ऑफ स्पाइडरमैन विथ 10 रुपीज़ नटराज पेंसिल कलर। चलिए, इसको मैंने यहाँ तक कलर कर ही लिया है। चलिए आगे का भी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका शॉर्ट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका अगर वीडियो हल्का सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अभी आगे भी जो वीडियो आएंगी वो भी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा कि फुल वीडियो डालूँ। और इसको मैं जहाँ से जहाँ तक इसको 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं 10 रुपीज़ इसे कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि महंगा वाला कलर ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसको इसीलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि जिसके पास 10 रुपीज़ वाला है, 15 रुपीज़ वाला है, वो ऐसी ड्राइंग बनाए, उसमें स्क्रीन कलर तो होता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ड्राइंग बनाए जो उसमें रहे। अब देखिए ये कितना अच्छा से कलर हो जा रहा है पूरा। तो इसमें ज़्यादा जब जिसके पास छोटा वाला रहता है, 10 रुपीज़ वाला, 12 रुपीज़ वाला, वो भी ठीक अच्छा रहता है। अब ये नहीं कि महंगा वाला आप ही लोग लें, उसके बाद महंगे वाले से ही कलर करें। बस ब्रशों का महंगा आता है। ये देखिए इसका कितना डार्कनेस से और वो सबसे हो रहा है। अच्छे से इससे भी हो सकता है। अब मैं अगला फुल वीडियो सोच रहा हूँ कि अब सूर्य कुमार यादव की आउटलाइनिंग कर चुका हूँगा, फिर उसको उनको कलरिंग करने में, फिर वैसा एक तो और फुल वीडियो। और जितने भी मेरे फुल वीडियो आएंगे उसका शॉर्ट्स भी आपको मेरे चैनल पे देखने मिल जाएगा। अभी इसका भी शॉर्ट्स अभी मिल जाएगा आपको देखने के लिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक का वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि लंबा हो जाता है ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा समय तक बनाता नहीं हूँ। शॉर्ट्स ज़्यादा डालने में ठीक रहता है। मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मैं टोटल आपको करके फिर मैं दिखा। सो माय ड्राइंग इज़ कंप्लीटेड। मेरी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो गई है। जितना भी मैं चाहा उतना मैंने 3D बनाने की कोशिश की है। सो ये रहा मेरा पूरा स्केच। वीडियो हल्का सा भी पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक, तब तक के लिए बाय बाय।